यह एक काल्पनिक वीडियो नहीं है, इसमें सभी तथ्य शत प्रतिशत सत्य है। यदि आपको आपत्ति है तो अविलंब अपने प्रिय चैनलों की शरण ले, अन्यथा डिसलाइक बटन पर अपनी व्यथा व्यक्त करें। आज्ञा से जनहित में जारी। क्या गोबर को एक आकर्षक पकवान के रूप में सजाकर लोगों को ग्रहण करने पर विवश किया जा सकता है? क्या प्रोग्रेस के नाम पर पुरुषों को और देसी संस्कृति को अपशब्द सुनाना कूल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दिल धड़कने दो यही सिखाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराता हूँ दिल धड़कने दो के अद्भुत लोक से, जहाँ है एक अरबपति पर लड़ने को उद्यत पति पत्नी, उनके अल्ट्रा डिप्रेस्ड बेटा बेटी और एक अति बुद्धिमान श्वान, जिनका किरदार निभा रहे आमिर खान। अरे ठहरिए, अभी से मत उछलिए। इस अद्भुत लोक में अभी आपने मात्र प्रवेश किया है। इस लोक में मुख्य भूमिका है कबीर मेरा यानी अपने झकास अनिल कपूर की, जो एक अमीर और व्यभिचारी बिजनेसमैन है। क्योंकि अमीर है और पुरुष है तो व्यभिचारी तो होना ही चाहिए, बिकॉज फेमिनिज्म। अपनी सब जानती है पर लोक लाज में चुप रहती है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बेटा लाखों करोड़ों उड़ाता है पर पायलट नहीं बन पाया तो बेचारा डिप्रेस्ड है। शौक बड़ी चीज है बाबू भैया, शौक बड़ी चीज है। बहना ट्रैवल कंपनी चलाती है परंतु अपने विवाह से संतुष्ट नहीं है। इसी परसोपेश को प्लूटो नामक श्वान अपनी मदमस्त नेत्रों और आकर्षक कंठ से बताता फिरता है। अगर दिल धड़कने दो को यदि कुछ शब्दों में समाहित करे तो, यदि हम आपके हैं कौन से आपको बचपन में बहुत जलन मचती थी, यदि आपको परिवार तोड़ने में विशेष दिलचस्पी है, यदि आपको अपनी संस्कृति का उपहास उड़ाने में आनंद मिलता है, तो दिल धड़कने दो आपके लिए सबसे बेशकीमती उपहार है। क्योंकि यह आज्ञाकारी पुत्र होना अपराध है, अपनी संस्कृति का सम्मान करना अनुकूल है, और तो और एक पुरुष होना तो सबसे बड़ा पाप है। वोकिज्म, जेंडर फ्लुइडिटी इत्यादि तो बालकों के खिलौने हैं, असल विष तो इस मूवी ने स्थापित किया है। अब इस सीन को जरा ध्यान से देखिए, जहां हमारे हीरो हीरा लाल, फरहान चिचा, राहुल बोस यानी मानव को नारी सशक्तिकरण पर एक डायलॉग से क्लीन बोल्ड करने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद पूरे देश की लड़कियां और कुछ अति भावुक पुरुष फेमिनिस्ट कुछ ऐसे हुए थे, परंतु आखिर गलती क्या थी मानव भाई की? अपने माँ की सेवा करना पाप है क्या? नन्हे मुन्ने बच्चों को तारों के अनोखे स्वरूपों से परिचित कराना और उनके संस्कृत नाम बताना पाप है क्या? अपने पत्नी के व्यभिचारी होने पे उससे प्रश्न पूछना पाप है क्या? अब इससे पहले कि कुछ फेमिनिस्ट लोग नैतिकता पर लंबे चौड़े भाषण दे, बाबा सोनू जी ने एक बात सही कही थी, तरीका होता है, जिन्हें ख्याल रखना हो वो टॉन्ट नहीं मारते। अब बात नारी सशक्तिकरण पे उठी है तो द क्वीन ऑफ द अर्थ सुश्री आयशा मेहरा यानी प्रियंका दीदी पर भी एक ध्यान देते हैं। कहने को महोदया एक सफल ट्रैवल कंपनी चलाती है, एक सेल्फ मेड वुमन है, नाइस वे टू बिगिन राइट। परंतु ऐसे कैसे? इन्हें दिक्कत इस बात की है कि इन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, इन्हें समस्या इस बात से है कि इन्हें मां बनने के लिए बाध्य किया जा रहा है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ये बात भी उचित है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते भैया, क्योंकि जब जमाना बदल रहा है तो हम भी पुराने विचारों से क्यों बने रहे। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमें भी अपनानी चाहिए। परंतु फिर नारी सशक्तिकरण पर यही लंबे चौड़े ज्ञान देने वाली प्रियंका दीदी बातचीत करने के बजाय गर्भ निरोधक गोलियां चबाती है और फरहान अख्तर यानी सनी भाई को देखते ही अपना नियंत्रण खो बैठती है और फिर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी इस फिल्म में पायलट चंद कबीर भाई और फारा अली यानी अनुष्का शर्मा के बीच के मधुर संबंधों पर जितनी कम चर्चा हो उतना ही अच्छा। लेकिन जब मानव भाई को आयशा जी यानी प्रियंका दीदी के कर्मकांडों के बारे में पता चलता है तो वे झकास कपूर से शिकायत करने आते हैं, क्योंकि ऐसी बातों को नजरअंदाज थोड़ी ना किया जाएगा। पर जोया अख्तर की मूवी है तो आदमी कैसे सही हो सकता है, और अंत में जीत होगी नारीवाद की, जीत होती है वोकिज्म की, और जीत होती है एजेंडावाद की। तो इस मूवी का सार क्या है? धरती फट जाए, आसमान निगल ले,
पर पुरुष कभी सही नहीं होगा, स्वयं व्हाइट हाउस भी प्रमाणित कर दे, परंतु भारतीय संस्कृति कभी प्रोग्रेसिव और कूल नहीं होगी। और तो और, आज्ञाकारी पुत्र होना तो सबसे बड़ा पाप है भैया। एक बार को मैं सूर्यवंशम की खीर खाने को तैयार हो जाऊं, परंतु यदि फिर कोई कहे कि दिल धड़कने दो एक बहुत ही उत्कृष्ट पिक्चर है तो फिर मान साले का खोपड़ी तोड़।